बच्चों मैं आज आपको मैथ की क्लास चैप्टर 5 पढ़ाऊंगी। चैप्टर 5 में ये बच्चों बी कैन स्मॉल बी कैन स्मॉल में क्या होता है बड़ा और छोटा, बड़ा किसको कहते हैं और छोटा किसको कहते हैं वो आज हम देखेंगे। तो यहाँ बॉल है बच्चों, ये क्या एक बॉल है, ये क्या है बड़ा है और ये छोटा है। इसमें हम यहाँ फील करेंगे बी और इसमें फील करेंगे एस, बी मीन्स बड़ा और एस मीन्स स्मॉल मीन्स छोटा। ये बड़ा है तो इसमें बी बी लिखेंगे और ये छोटा है इस बॉक्स में हम लोग एस लिखेंगे। इसी तरह यहाँ का है बच्चों, ये बड़ा है और ये छोटा है, इसमें हम बी लिखेंगे और यहाँ एस लिखेंगे। बी मीन्स बिग, एस मीन्स स्मॉल, बिग मीन्स बड़ा और स्मॉल मीन्स छोटा। इसी तरह यहाँ ट्री है बच्चों, ये बड़ा ट्री है ये छोटा ट्री है, इसमें क्या करेंगे बच्चों बी और इसमें एस करेंगे, बिग मीन्स बड़ा स्मॉल मीन्स छोटा। इसी तरह बच्चों यहाँ बुक में दिया हुआ है सिर्फ इज बिग बोट इज स्मॉल, सिर्फ क्या है बच्चों बड़ा है और बोट छोटा है। यहाँ बुक दिया है बच्चों की बुक और इरेजर में कौन बड़ा है, बुक बड़ा है और इरेजर छोटा है, यहाँ बी आएगा और यहाँ एस बड़ा है। उसी तरह यहाँ ए है बच्चों और स्वान, ये दोनों में कौन बड़ा है, स्वान बड़ा है तो यहाँ बी बढ़ाएगा और यहाँ फील होगा एस, स्मॉल मीन्स छोटा है, एक यानी अंडा छोटा है तो यहाँ एस बढ़ाएगा और यहाँ बड़ा है तो यहाँ बी बढ़ाएगा। उसी तरह यहाँ बच्चों दो मछलियाँ हैं तो यहाँ ये एक मछली है बच्चों, तो ये स्मॉल है और ये बिग है, तो यहाँ बी बी फील होगा और यहाँ एस दिखाएगा, स्मॉल मीन्स छोटा और बिग मीन्स बड़ा। इन दोनों में से बच्चों कौन बड़ा है, इन दोनों में से एरोप्लेन बड़ा है तो यहाँ बी बढ़ाएगा और यहाँ एस बढ़ाएगा, बाइसाइकिल छोटा है यहाँ एस बढ़ाएगा, बिग और स्मॉल। उसी तरह बच्चों हम लोग यहाँ आज देखें हम लोग बिग एंड स्मॉल, बड़ा और छोटा, इस बड़ा और छोटा में डिफरेंस जाना है, यानी उसमें अंतर जाना है, उसमें क्या अंतर है। तो जो बड़ा होगा उसमें बी भराएगा यहाँ फील करना है बच्चों, और जो छोटा होगा उसमें एस भराएगा। तो आज हम लोग देखा बच्चों बिग और स्मॉल, बिग बड़ा किसको कहते हैं और छोटा किसको कहते हैं। तो यहाँ बॉल बड़ा है बच्चों और ये छोटा है, इसके बॉक्स में भराएगा बी और इसमें भराएगा एस, यानी ये छोटा है तो स्मॉल भराएगा। उसी तरह यहाँ कप है बच्चों, ये बी होगा यहाँ बिग और ये छोटा है यहाँ एस होगा यानी स्मॉल होगा। ये बड़ा है ये थ्री तो यहाँ बिग भराएगा और उसी तरह ये छोटा है तो इस बॉक्स में यहाँ एस हम भरेंगे। तो आज हम लोगों ने बच्चों देखा बिग और स्मॉल में फर्क जाना, बिग और स्मॉल में क्या फर्क है, जो बड़ा होगा उसको बिग कहेंगे, जो छोटा होगा उसको स्मॉल कहेंगे। और अगली क्लास में हम लोग बच्चों देखेंगे थिक एंड थिन, यानी मोटा और पतला किसको कहते हैं। और आप लोगों को इसको बुक में फील करना है, आप लोगों का होमवर्क है बच्चों आज का। थैंक यू बच्चों।